हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा IBPS PO प्री के लिए सेंटेंस कंप्लीशन के कुछ सेंटेंसेस। और अब मैं डेली ऐसे वीडियो क्लासेस अपलोड करूंगा इस चैनल पर, जिसमें मैं IBPS PO प्री के लिए आपको पढ़ाऊंगा और सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो क्लास को और इन क्वेश्चन को। आगे बढ़ने से पहले मैं इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, बेस्ट कंटेंट के साथ एक टेस्ट सीरीज़ आप देना चाहते हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा हो, एनालिसिस बहुत अच्छा हो, नए नए पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हो, जिसका प्राइस बहुत कम हो, तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें और एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। डेफिनेटली आपको एक डिफरेंस इसमें नज़र आएगा। और यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो एक बार इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करें। और सबसे बेस्ट प्लान इसमें जो है वो 12 महीने का प्लान है, 499 का है। इसमें करीब 300 प्लस फुल लेंथ टेस्ट हैं, पूरे आंसर्स, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ और पूरे डिटेल एनालिसिस के साथ। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें और एक बार ट्राई करें। डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। ये एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ है और मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। ये हाईली यूजफुल टेस्ट सीरीज़ है। देखिए, यहाँ से इन क्वेश्चंस को हम करते हैं और यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। द इंडियन एम्बेसी इज़ इन रेगुलर टच विद कंसर्न अथॉरिटीज़ इन इंडिया एंड ऑल ऑप्शंस आर बीइंग कंसीडर्ड। देखिए, ये सेंटेंस फिलर्स के क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है और यहाँ पर ये फिलअप है। तो फिलअप है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कुछ भी आएगा वो इस प्रीवियस सेंटेंस का एक्सटेंशन होगा। यानी लॉजिकली यहाँ पर कौन सा सेंटेंस आना चाहिए जो कि इसके साथ मैच करे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको फिल करना होता है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि सारे फैकल्टी मेंबर्स कहते हैं कि रीडिंग करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रीडिंग से एक एक सेंस क्रिएट होता है, एक कॉन्टेक्स्ट का आपको पता पड़ता है। देखिए, इंडियन एम्बेसी इज इन रेगुलर टच, ऐसी बात कब की जाती है कि इंडियन एम्बेसी जो है वो दूसरी कंट्री के साथ रेगुलर टच में है? जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है या जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपदा आ जाती है। तो इसलिए इसमें हम देखिए, ये तो हम बोल नहीं सकते कंसिडर्ड के बाद इस तो आएगा नहीं, तो ये तो ग्रामेटिकली भी गलत हो गया। ऑफ भी नहीं आएगा, कंसिडर्ड ऑफ, कंसिडर्ड इज नहीं आएगा, कंसिडर्ड कंसिडर्ड टू, इन दोनों में से एक आ सकता है। तो इन दोनों को देखिए पढ़ते हैं। कंसिडर्ड इन इंडिया एंड मैनी ऑप्शन आर बींग कंसिडर्ड टू कीप काम एंड अवेट फर्दर डेवलपमेंट। देखिए, यदि हम सारे ऑप्शन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ फिर ये वाला सेंटेंस नहीं आएगा, टू कीप काम एंड अवेट फर्दर डेवलपमेंट। वी आर अवेटिंग फर्दर डेवलपमेंट, ऐसे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑल ऑप्शंस आर बीइंग कंसीडर्ड टू कीप काम। मतलब सारे ऑप्शंस को हम कंसीडर कर रहे हैं जिससे हम शांति रख सकें और इंतजार कर सकें। यानी ये सेंसलेस होगा ये सेंटेंस को यदि आप जोड़ते हैं तो। लेकिन यहाँ पर देखिए, ऑल ऑप्शंस आर बीइंग कंसीडर्ड फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू इंडियन, मतलब ऐसे इंडियंस जो कि स्ट्रैंडेड हैं, जो कि फंसे हुए हैं किसी कंट्री में, ठीक है, तो किसी इमरजेंसी की इसमें बात हो रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसमें ये जो सेंटेंस है फिफ्थ, ये बिल्कुल इसमें सही होगा। तो इसका आंसर होगा फिफ्थ सेंटेंस। देखिए, सेकंड देखते हैं। द म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री इज कॉन्फिडेंट ऑफ अट्रैक्टिंग न्यू इन्वेस्टर्स एंड होप्स टू बेनिफिट फ्रॉम द मैक्रो चेंजेस पोस्ट डीमोनिटाइजेशन। पोस्ट डीमोनिटाइजेशन मतलब डीमोनिटाइजेशन के बाद जो बड़े बड़े चेंजेज हुए हैं उसको लेके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो कॉन्फिडेंट है कि वो नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर देखिए, पीपुल अंडरस्टैंड दैट दे वुड गेट बेटर ईल्ड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड, इसके बाद फिर एंड आना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस नहीं जुड़ेगा। पीपुल अंडरस्टैंड that they would get better yield from the mutual fund industry, इसके साथ एक्चुअली यहाँ पर इसका एक्सटेंशन नहीं बनना, एंड द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज कॉन्फिडेंट, नहीं, यहाँ से इसका सेंस नहीं बन रहा। वॉलेटिलिटी इन द इक्विटी मार्केट नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, मतलब इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी है, वो स्टेबल नहीं है, उसके बावजूद भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है वो कॉन्फिडेंट है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो होती है वो बेस होती है इक्विटी मार्केट पर। ठीक है, वॉलेटिलिटी इन द इक्विटी मार्केट नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब इक्विटी मार्केट में
स्टेबिलिटी नहीं है, इसके बावजूद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कॉन्फिडेंट है अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स के लिए, तो इसका एक डेफिनेटली एक सेंस बन रहा है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड इसमें आंसर बिल्कुल सही होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडस्ट्री लाइक आर्स टू ग्रोथ इनडेफिनेटली इन ए लाइनियर फैशन, नहीं इससे सेंस नहीं बन रहा। द एस आई पी हैव बीन स्टेडी प्रोवाइडिंग एन अंडरपिनिंग टू द फ्लो ऑफ इक्विटी द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। देखिए एक सेंस बनना चाहिए, बी डेट और इक्विटी देन इन ए सेविंग बैंक अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट द म्यूचुअल फंड, नहीं यहाँ से भी एक सेंस नहीं बन रहा, तो इसका आंसर होगा आपका सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, एडमिटिंग दैट देयर वॉज ए चेंज इन द कन्विक्शन ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ऑन द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, द यूटीआई म्यूचुअल फंड टॉप एग्जीक्यूटिव सेड इट कंटिन्यूड। तो कंटिन्यूड के साथ तो हम अगर टू फ्रेज यहाँ पर लगा सकें, टू क्लॉज, तो वो एकदम सही फिट हो जाएगा इसमें। कंटिन्यूड, देखिए टू क्लॉज इसमें एक ही दिया है, कंटिन्यू टू बी इंटैक्ट डिस्पाइट ग्लोबल वॉलेटिलिटी। तो इसमें इन्वेस्टर्स के बारे में बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर द 2014 पार्लियामेंट्री इलेक्शन द यूटीआई म्यूचुअल फंड टॉप एग्जीक्यूटिव सेड इट कंटिन्यूड टू बी इंटैक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंटैक्ट रहेगा ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बावजूद। ठीक है, तो इसमें टू जो क्लॉज है ये लॉजिकली यहां पर जुड़ जाएगा इसमें, बाकी नहीं जुड़ेंगे इसमें, तो सी इसमें फोर इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको देखते हैं, 70 इयर्स इन द लाइफ ऑफ ए कंट्री इज ए रीजनेबल टाइम टू रीप रिजल्ट्स ऑफ द आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय स्टेलवार्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए इसमें हमारी आज़ादी को 70 साल हो चुके हैं, तो उसी की इसमें बात हो रही है कि 70 ईयर्स इन द लाइफ ऑफ ए कंट्री मतलब इंडिया की कंट्री में इज ए रीजनेबल टाइम टू रीप रिजल्ट्स ऑफ द आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय द स्टेलवार्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए कंस्टिट्यूशन बनने से पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी, स्टेलवार्ट्स मतलब उसके जो मेन लीडर्स थे, उसके जो लॉयल लीडर्स थे, जो आइडियाज कंस्टिट्यूएंट असेंबली में एक्सप्रेस किए गए थे, उसका उसको कंक्रीटाइज होने में या उसके रिजल्ट्स आने में, उसके रिजल्ट्स आने के लिए 70 साल का जो टाइम है वो एक सफिशिएंट है। ठीक है, तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली से क्या चीज़ जुड़ सकती है वो यहाँ पर आएगा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली वी हैव अचीव्ड अलॉट, नहीं यहाँ से तो ये जुड़ेगा ही नहीं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडियोलॉजी, नहीं यहाँ से भी नहीं जुड़ेगा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैव फेल्ड टू चॉक आउट अ स्ट्रेटजी टू पुट एन एक्सपायरी डेट ऑन द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, नहीं रिजर्वेशन की तो इसमें बात ही नहीं हो रही। इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली विच गॉट कंक्रीटाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कुछ लिखा गया था रफ फॉर्म में वो कॉन्क्रीटाइज हुआ था किस फॉर्म में, कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारी बातें बर्बल तरीके से की गई थी, वो एक रफ फॉर्मेट था आप ऐसा मान सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी चीज़ें कॉन्क्रीटाइज हो गई थी, रियल बन गई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच गॉट कंक्रीटाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कशन हुआ था वही फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, तो फोर्थ यहां पर लॉजिकली इसमें एकदम फिट हो रहा है। ठीक है, तो ये है सेंटेंस फिलर्स, ऐसे ही होते हैं पैराग्राफ फिलर्स जिसमें बीच में फिलर्स दिए रहते हैं या एंड में फिलर दिया रहता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और सारे नए पैटर्न के क्वेश्चंस यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आप टेस्ट जोन की टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसमें बैंकिंग की सारी टेस्ट सीरीज और एसएससी की सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी। देखिए यहाँ से देखते हैं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए डिकेड दिस प्रोविजन रिन्यूड फॉर अनदर 10 इयर्स टू परपेचुएट रिजर्वेशन थ्रू पॉलिटिक्स। देखिए इसमें ये बात हो रही है कि रिजर्वेशन की जो फिलॉसफी है, रिजर्वेशन के जो रूल्स रेगुलेशन हैं, उनको हर 10 साल बाद रिन्यू कर दिया जाता है, परपेचुएट मतलब उनको कंटिन्यू कर दिया जाता है। Probably this is the reason why we see there is a race among affluent community के देखिए चूंकि रिजर्वेशन हमारे देश में बहुत चलता है, इसको बार बार कंटिन्यू कर दिया जाता है, इसीलिए जो affluent community है
जो पैसे वाले लोग हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता, इसलिए एफिलिएट कम्युनिटी क्या करती है, एफिलिएट कम्युनिटी टू गेट ब्रांडेड एज बैकवर्ड, काफ़ी कुछ जो समृद्ध लोग हैं पैसे वाले लोग हैं वो भी अपने आप को बैकवर्ड दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाए। तो यहाँ पर चूंकि हम बोल रहे हैं कि देर इज ए रेस अमंग एफिलिएट कम्युनिटी, एफिलिएट कम्युनिटी के बीच में एक रेस है। रेस क्यों है? वो रेस इसलिए है क्योंकि एफिलिएट कम्युनिटी अपने आप को बैकवर्ड दिखाना चाहती है ताकि उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सके, टू गेट ब्रांडेड एज बैकवर्ड। तो यहाँ पर ए इसमें सही आंसर होगा, टू से जो जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए थर्ड में भी एक्चुअली रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन टू गेट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन टू स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये उतना रेलिवेंट इसमें नहीं है क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर स्टेट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है जो कि रेलिवेंट होगा, इसमें फर्स्ट एकदम रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। इंडिया हैज मैनी इलोक्वेंटली वोकल सोशल साइंटिस्ट, इट इज टाइम फॉर देम टू सिट विद द पॉलिटिकल क्लास एंड इवॉल्व ए पॉलिसी मैकेनिज्म दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ कास्ट फ्री इगेलिटेरियन सोसाइटी। अब यहाँ पर जो आएगा इगेलिटेरियन सोसाइटी के बाद, वो एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो इगेलिटेरियन सोसाइटी के बारे में कुछ बोले या इससे कुछ कनेक्शन दिखाए। इगेलिटेरियन सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ पर सभी लोग बराबर हों। देखिए इसमें थर्ड सेंटेंस में ये बोला गया है, वेयर इक्वल अपॉर्चुनिटी वुड बी एन अनक्वालिफाइड फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो सोशल जो साइंटिस्ट हैं उनको पॉलिटिकल क्लास के साथ बैठना चाहिए, एक कास्ट फ्री इगेलिटेरियन सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ पर सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। थर्ड इसमें एकदम सही है। तो ये प्रैक्टिस से ये क्वेश्चंस आपको आसानी से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। एस सी सेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैन एंड द गॉड इज इंडिविजुअल चॉइस एंड द स्टेट। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक व्यक्ति और वो किस भगवान को मानता है ये एक इंडिविजुअल चॉइस है, वो किसी भी भगवान को मान सकता है, किसी भी रिलीजन को मान सकता है, और हमारी इंडिया जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है जिसमें स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, आप फ्री हैं कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए, एंड द स्टेट इज फॉरबिडन टू इंटरफियर इन सच एन एक्टिविटी। स्टेट को मना किया गया है, हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को मना किया गया है कि वो किसी व्यक्ति के पर्सनल रिलीजन में इंटरफियर नहीं करेगा, स्टेट इज फॉरबिडन। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका एकदम सही इसमें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं। विथ प्रैक्टिस्ड स्मूथनेस द पीएम ऑल्सो पास डाउन टू बैंक्स द बर्डन ऑफ ब्रिंगिंग नॉर्मेलसी बैक इन टर्म्स ऑफ द एबिलिटी टू विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक्स एंड एटीएम्स आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट हैज डन। इसमें ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ने सभी बैंक से बोला है कि पब्लिक को ये फैसिलिटी दें कि वो बैंक से कैश निकाल सकें। ठीक है, ये 2014 में जो हुआ था ना मोनिटाइजेशन, उसकी बात इसमें हो रही है। आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट हैज डन, आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट हैज डन डन वॉट डन द जॉब, डन द जॉब ऑफ डायरेक्टिंग द बैंक्स टू डू सो। बिल्कुल सही। तो यहां से इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। एज फार एज न्यू ईयर बाउंटीज गो, बाउंटी का मतलब होता है कोई भी रिवॉर्ड मिलना। ठीक है, एज फार एज न्यू ईयर बाउंटीज गो दिस इज अ बाउंटी, एट द सेम टाइम द स्पीच डिड नॉट क्लेम फाइनल सक्सेस फॉर द क्लेंजिंग रिचुअल लॉन्च्ड ऑन नवंबर 8। नवंबर 8 को क्या हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था जिसमें ब्लैक मनी को साफ करने की बात हो रही थी या की गई थी, तो उसी के लिए ये वर्ड आया है क्लेंजिंग रिचुअल। वो एक साफ सफाई का अभियान था, ब्लैक मनी को हटाने का अभियान था। क्लेंजिंग रिचुअल लॉन्च ऑन नवंबर 8 एज द प्राइम मिनिस्टर चूज टू डिस्क्राइब डीमोनिटाइजेशन, बट दैट्स ऑल राइट। इसमें हम दैट्स ऑल राइट, इसमें देखिए इसमें डीमोनिटाइजेशन की बात हो रही है और डीमोनिटाइजेशन के बाद हम यहाँ पर ये जो एक्शन हुआ था डीमोनिटाइजेशन के, इसके लिए हम बोल रहे हैं दिस इज नो कंपटीशन।
मतलब डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने जो किया था वो किसी से कंपीट करने के लिए या किसी दूसरी कंट्री से कंपीट करने के लिए नहीं किया था, ठीक है, वो ब्लैक मनी को हटाने के लिए किया गया था। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर इट्स ऑल राइट, दिस इज नो कंपटीशन, ठीक है। तो फिफ्थ इसमें सही आंसर होगा। 10 देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इनविजिज दिस एज ए फॉल आउट ऑफ आर्टिकल 16.4। आर्टिकल 16.4 में भी बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात की गई है। द एक्सेप्शन हैज नाउ बीन परपेचुएटेड बाय द पॉलिटिकल क्लास एज विगोरसली एज वी अचीव द गोल ऑफ एन इगलिटेरियन सोसाइटी। मतलब एक तरफ तो हम जो बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन है उसको परपेचुएट कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हम इगलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट इसमें आपका सही आंसर आपका होगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस फिलर्स के क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिए। और नए पैटर्न के क्वेश्चन यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस टेस्ट सीरीज को आप तुरंत ज्वाइन करें और देखिए आप इसका कमाल, इसमें कितना बेहतरीन एनालिसिस है, इसमें आंसर्स देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए। टॉपर के साथ आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं और अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप मेज़र कर सकते हैं। एकदम एग्ज़ाम लाइक इसका इंटरफेस है, प्राइस बहुत ही कम है, और ये आप पैकेज लेते हैं 499 वाला इसमें पैकेज लेते हैं तो बहुत ही आप अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। पूरे साल तक आप इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी टेस्ट हैं वो सारे आप दे सकते हैं। करीब 300 प्लस टेस्ट आप 499 रुपीज़ में बैंकिंग और SSC का दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जो सूटेबल लगे वो टेस्ट सीरीज आप लें, लेकिन ज़रूर ज्वाइन करें इसको और इसके थ्रू आप फ़ायदा उठाएँ। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।